देश में बैंकिंग धोखाधड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही है। हाल ही में रिजर्व बैंक ने डिफॉल्टरों की एक नई सूची जारी की है जिसमें चौंकाने वाला नाम सामने आया है। वहीं देश के सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों ने इस साल अप्रैल से सितंबर के बीच कुल 958 अरब रुपए के घोटाले की शिकायतें दर्ज कराई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक सरकारी बैंकों में 6 महीने के अंतराल में घोटाले और धोखाधड़ी की 5743 शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। रिजर्व बैंक ने जिन डिफॉल्टरों की नई सूची जारी की है उनमें शराब कारोबारी विजय माल्या से भी बड़ा डिफॉल्टर निकलकर सामने आया है। इस सूची में मध्य प्रदेश के इंदौर में रहने वाले कारोबारी कैलाश सहारा की रुचि सोया और मुरैना के रमेश चंद्र गर्ग की केएस ऑयल का नाम शामिल है। आरबीआई के इस लिस्ट के अनुसार कैलाश सहारा की रुचि सोया शराब कारोबारी और भगोड़े विजय माल्या से 2 पायदान ऊपर है। कैलाश सहारा ने कर्ज न चुका पाने की राशि 3,225 करोड़ रुपए है जबकि माल्या का कुल बकाया 2,488 करोड़ रुपए है। कर्ज देने वाले रुचि सोया कंपनी के एनसीएलटी ले गए हैं जहां दिवाला कानून के तहत कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं मुरैना के रमेश चंद्र गर्ग की केएस ऑयल मिल पर कुल डिफॉल्ट किए गए कर्ज की राशि 1,026 करोड़ रुपए है। वित्त मंत्री के मुताबिक इस साल 1,000 मामलों में 25 अरब रुपए का घोटाला हुआ है। वित्त मंत्री के मुताबिक एसबीआई ने सबसे ज़्यादा 254 अरब रुपए के घोटाले की शिकायत की है जबकि पीएनबी ने 108 अरब रुपए और बैंक ऑफ बड़ौदा ने 83 अरब रुपए की धोखाधड़ी की जानकारी दी है। वित्त मंत्री का कहना है कि सरकारी बैंकों को हो रहे नुकसान की भरपाई करने में सरकार जुटी हुई है। बैंकों में घोटाले की घटनाएं रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने उच्च सदन में जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 2 सालों में निष्क्रिय हो चुकी कंपनियों के 3.38 लाख बैंक खातों को सीज किया गया है। उन्होंने बताया कि अब बैंकिंग धोखाधड़ी रोकने के लिए सख्त कानून बनाने पर विचार किया जा रहा है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.